तो हेलो गाइस, की हाल चाल? बढ़िया सब? तो गाइस, मेरा नाम अनमोल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नो विद गेमिंग। तो गाइस, आज मुझे मेरे सीक्रेट एजेंट से खबर मिली है कि लॉस सैंटोस में शाहरुख खान आए हुए हैं और उनकी जो बुगाटी वेरोन कार है गाइस, वो भी साथ में लेके आए हैं। तो गाइस, आज हम गाइस उस बाइक उस कार को चोरी करने वाले हैं। तो गाइस, वो इस जगह पे आ जाए हैं क्योंकि आज उनकी मूवी यहाँ पे कोई सी रिलीज हो रही है, तो वो उस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। तो गाइस, यही सही मौका है उनकी कार उड़ा ले जाने का। तो गाइस, चलो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं भाई कैसी है वो बुगाटी शिरोन। तो गाइस, ये खड़ी है हमारी लैम्बोर्गिनी जो कि हमने एयरपोर्ट से चोरी की थी गाइस, और मैंने इसको सब कस्टम करा रखा है, मतलब पूरे कलर वलर सब चेंज करा दिया इसका, और जितने भी जीपीएस वगैरह थे वो सारे मैंने रिमूव करा दिए। अब ये गाइस, मैं कार सेफली यूज़ कर सकता हूँ। बाकी इस कार की स्पीड बहुत फास्ट है यार, लाजवाब है भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है गाइस। उस कार की एक खास बात है कि गाइस, वो कार ऑटोमेटिकली कलर चेंज करती है, तो जिस वजह से मैं वो कार चुरा रहा हूँ, वरना मेरा उसे कुछ चुराने का कोई मतलब नहीं था, तो हम गलत आ गए थे। तो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे और अभी मैं अपनी कार यहाँ सेफली पार्क कर देता हूँ, जिससे कि मुझे इसे बाद में लेके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं वो कार लेने वाला हूँ तो ये फिर यहीं पे छूट जाएगी गाइस। तो गाइस, वो खड़ी है सामने हमारी कार बुगाटी वेरोन, और शायद से शाहरुख खान भाई इसके अंदर गए हुए हैं इस मूवी थिएटर के अंदर। तो गाइस, यही भाई, सिक्योरिटी बहुत टाइट है यार, आप देख सकते हो कितने सारे बॉडीगार्ड उस कार की सिर्फ देखभाल कर रहे हैं गाइस। तो इसे चुराना बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा है मेरे को। तो इसे चुराने के लिए गाइस, हमें सबसे पहले इन बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगाने पड़ेगा और बिना किसी को पता लगे। तो गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ से उन्हें मारने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि कोई मुझे देख भी ना पाए और मैं इजीली काम भी कर पाऊँ यहाँ से। तो गाइस, ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, तो है यहाँ पे। ओके गाइस, अब हमारा काम शायद कुछ इजी हो जाएगा कुछ हद तक, क्योंकि मैं यहाँ से अगर ऊपर जाने का, और हाँ, तो गाइस मैं यहाँ से चढ़ के सीधे ऊपर से ही स्नाइपर गन से उनको टपका दूंगा, जिससे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा और कार भी हम आसानी से छुड़ा ले जाएंगे, मतलब छुड़ा गया, चोरी कर ले जाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं यार। इससे ऊपर जाने का रास्ता तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ से मैं मार नहीं सकता हूँ। ओके ओके, तो चढ़ गया भाई। तो गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर और यहाँ से हम इन पे स्नाइपर शॉट देंगे, जिससे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा। भाई ये क्या हुआ? गाइस, गाड़ी तो पूरी जल चुकी है यार, शिट शिट शिट। भाई इतनी कड़ी सिक्योरिटी होगी, मैं मेरे को, और यार पुलिस भी पीछे पड़ चुकी है हमारी, तो जल्दी से गाड़ी के पास चलते हैं। ओए भाई, ओ भाई, अब भाई इतनी भी जल्दी कौन कह रहा है उससे करने को, जल्दी नहीं, अब नीचे उतर साले चूती है। ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। गाइस, गाड़ी तो पूरी खत्म हो चुकी है यार, शिट।
तो गाइस गाड़ी तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो हमें कुछ भी करके गाड़ी निकालनी पड़ेगी और रिपेयर करानी पड़ेगी। तो अभी हम कुछ अपना सस्ता सा दिमाग लगा के देखते हैं। तो गाइस पहले तो मैं पुलिस वालों से पीछे छोड़ाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। अभी फिर हम इस गाड़ी को टो करा के ले जाएंगे और इसे रिपेयर करा देंगे, जिससे कि गाड़ी ठीक हो जाएगी। गाइस गाड़ी बहुत महंगी है यार, तो इसमें खर्चा भी बहुत कर रहा बैठने वाला है। तो गाइस अभी जो हम कुछ दिन पहले अभी जो हमने इसमें बैंक ज्वेलरी शॉप लूटी थी, तो गाइस मेरे पास अभी कुछ पैसे तो पड़े हैं। तो गाइस मैं क्या करूँगा कि उस गाड़ी को रिपेयर करा के, और गाइस उस गाड़ी को फिर मैं बेच दूँगा, फिर वो अच्छे पैसे में बिक जाएगी। तो गाइस हमारे पैसे सारे रिकवर हो जाएंगे यार। बट वो गाड़ी मुझे बेचने की बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं सोच रहा था ये जो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, ये माइकल दादा को गिफ्ट कर दूँगा और वो गाड़ी खुद से रख लूँगा गाइस। क्योंकि उस गाड़ी की खास बात यह है कि गाइस वो गाड़ी ऑटोमेटिकली कलर चेंज करती है यार, तो जिस वजह से मैं वो गाड़ी चुराने आया था। बट यार अब वो गाड़ी फट चुकी है गाइस, पुलिस भी बहुत पीछे पड़ चुकी है हमारे। तो हम पहले तो यार हमें कहीं जाके छुपना पड़ेगा, जिससे कि पुलिस हमारे पीछे छोड़ दे। बाकी यार ये पुलिस वालों की नाकाम कोशिश है लैम्बोर्गिनी के सामने, क्योंकि भाई ये गाड़ी इतनी फास्ट है ना कि इसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो गाइस अभी हम दोबारा से यहाँ पे आ चुके हैं और गाड़ी देखते हैं। गाइस गाड़ी वो अभी भी वैसी की वैसी ही खड़ी है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अभी यहाँ से टो करके ले जा के देखता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे टो वैन बुला देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे टो ट्रक हमारा आ चुका है। तो गाइस अभी हम देखते हैं यार टो ट्रक से शायद वो गाड़ी टो हो जाए। बट गाइस अभी भी बहुत सेफली हमें ध्यान से करना पड़ेगा ये काम, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम ये गाड़ी चुराने आए हैं। तो अभी हम सिंपली मतलब लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि हम ये गाड़ी टो करने आए हैं, क्योंकि मतलब किसी की परमिशन लेके हम आए हैं, गैर कानूनी तरीके से नहीं आए, मतलब गैर कानूनी तरीके से नहीं आए हम यहाँ पे। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे गाड़ी चोरी करने आए। तो गाइस अभी हम इस गाड़ी को टो करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता नहीं है गाड़ी टो होगी। तो गाइस हो चुकी है। तो गाइस अभी हम इस गाड़ी को ले के चलते हैं सीधे अपने घर पे, वहाँ गैरेज पे ले जाके इसे मैं छुपा दूँगा गाइस। तो मैं इसको एक से दो दिन के अंदर फिर से इसको गाइस मैं रिपेयर कराने ले जाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मामला गर्म है। तो अगर अभी किसी को पता लग गया तो गाइस थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसे अभी घर पे ले जा रहा हूँ सिंपली। गाइस मैंने सोचा था यार आपको इसकी टॉप स्पीड वगैरह दिखाऊंगा, चेक करके क्या है इंटीरियर वगैरह, बस यार सब उल्टा पुल्टा हो गया। चलो कोई नहीं, सब संभाल लेंगे फिर से, दोबारा कर लेंगे ठीक। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने घर पे और मैं अभी इस गाड़ी को यहीं पे पार्क करने वाला हूँ सिंपली।
क्योंकि गाइस अभी इसको रिपेयर कराने जाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस मैं अभी सिंपली इसको यहीं पर पार्क कर देता हूँ और मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी भी वहाँ से लेके आनी पड़ेगी। तो गाइस यही था बस आज की वीडियो में। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।